रुको जी बताइए क्या मामला है भाई, किस लिए रोके मुझे? अरे मोटू भाई, रोकना किस लिए? आप लाइसेंस दिखाइए, कागजात दिखाइए बाइक के। आप फुल स्पीड से आ रहे हैं रोड पे, ना आपकी स्पीड कंट्रोल में है ना आपके पास कोई कागज, मुझे शक पड़ रहा है। तो आप दिखाइए जरा डॉक्यूमेंट्स गाड़ी के। देखो भाई पुलिस अंकल, कागज वागज तो हम रखते नहीं है अपने पास, ये गरीब गुरबा का काम है। हमारा क्या काम है कि डॉक्यूमेंट साथ लेके फिर रहे? आपको नजर नहीं आ रहा जब सामने नजर आ रहा हूँ कि मोटू साहब जा रहे हैं, तो फिर डॉक्यूमेंट्स किस बात के? मुझे जाने दे, अगर आपने नौकरी करनी है तो मुझे जाने दो, अगर नौकरी करने का इरादा नहीं है तो फिर रोक लो, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है तुम्हारे साथ। देखिए जी मोटू साहब, आप हमारे मेहरबान हैं, दोस्त हैं, अच्छे इंसान हैं, लेकिन कानून किसी का दोस्त नहीं होता। हमारे पे भी सख्ती हो रही है, हमें पीछे से साहब ने बड़ी सख्ती से मना किया हुआ है कि किसी को छोड़ना नहीं है, भले कोई भी हो जाए। मेरा मतलब है आपसे अच्छा तल्लक है, चलें कुछ कर लेते हैं। आप कुछ चाहते हैं तो मैं हाजिर हूँ, ठीक है? कुछ दे दला के निकल जाएंगे, कुछ हमारे मजबूरियां हैं, हमने भी ऊपर साहब को कुछ ना कुछ देना होता है ना, फिर शाम को जाके कि क्या कुछ आया, क्या कुछ किया है, तो इसलिए आपको कुछ देना तो पड़ेगा फिर ना। देखो जी पुलिस अंकल, आप जो मर्जी कहते रहें, देना लेना मेरा कुछ भी नहीं है। ले सकता हूँ अगर कुछ खिलाना पिलाना है तो मैं आपके साथ चलता हूँ, बाकी अगर आप कहें कि मैं आपको कुछ दे दिला के निकलूँगा तो ऐसा मुमकिन नहीं है। फिर पीछे हटिएगा, मुझे जाने दें, मैं चलता हूँ, या क्या प्रोग्राम है आपका? कुछ आराम से जाने देंगे या करूँ फोन साहब को, ये आपने बताना है। ओ नहीं, मोटू साहब, ऐसी कोई बात नहीं है किसी